हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंचन किचन में। आज हम दूध का शरबत बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग है। इस भयंकर गर्मी में अगर आपने इसे एक बार पिया तो आप इसे बार बार पीना पसंद करेंगे। इसमें काजू, बादाम और पिस्ता डाले हुए हैं, सो ये हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक है। हमने यहाँ जेली बनाने में जिलेटिन या अगर का कुछ भी उपयोग नहीं किया है। आप देखेंगे कि होममेड जेली कैसे आसानी से बन जाती है। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी दूध का शरबत। मैंने यहाँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लिए है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच साबूदाना लिया है। 1 चम्मच मैंने चिया सीड लिए है और काजू बादाम और पिस्ता और इलायची ली है। इलायची डालने से हमारा शरबत खुशबू वाला और बहुत ही टेस्टी बनेगा। हमें ड्राई फ्रूट्स और चिया सीड को भिगोने के लिए रख देना है। अब हम एक पैन में 1 कप पानी लेंगे। हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। ये 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड किया है और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। इसे हमें बार बार चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। धीरे धीरे ये मिक्सचर ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। चीनी मिक्सचर के साथ एकदम से मिक्स हो रही है। अब हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे थोड़ा सा। हम रोज का एसेंस डालेंगे। अब हमारी जेली बनके तैयार है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम इसे ठंडा करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम एक पैन में 1/2 लीटर दूध लेंगे, फुल क्रम मिल्क लेंगे। उसमें हमने पहले से ही पानी में मिक्स किया हुआ कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर से हमारा दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। अब हमारे नट्स हैं वो अच्छे से भीग गए हैं। मैंने बादाम के छिलके निकाल लिए हैं। अब मैंने इसे मिक्सर में मिक्स कर लिया है। हमारी जेली अब ठंडी हो चुकी है। हमें इसे ऐसे काट लेना है और छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। हमारी जेली बनके तैयार है। चिया सीड भी अच्छे से फूल गए हैं। अब हमारा दूध एकदम गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट का जो हमने मिक्सर में क्रश किया था वो डालेंगे। 1 कप मैंने यहाँ शुगर डाली है। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारा दूध और भी गाढ़ा हो गया है। हमें इसे चलाते रहना है 10 और 15 मिनट के लिए।
हमारा दूध अब ठंडा हो गया है और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। देखिए इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। अब हम इसमें चिया सीड ऐड करेंगे और हमने जो जेली बनाई है वो हम इसमें ऐड करेंगे। साबूदाना को 15 मिनट उबाल के ठंडा होके हमें इसमें डालना है, जो मैंने यहाँ स्किप किया हुआ है। अब हमारा रिफ्रेशिंग शरबत तैयार है। जब हमें सर्व करना हो तभी हमें ग्लास में आइस क्यूब लेने हैं। देखिए एक ऐसा गाढ़ा बन गया है। अब हमारा रिफ्रेशिंग दूध का शरबत बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे घर पर ज़रूर बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।